प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तीन का स्केयर रूट कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड स्केयर रूट ऑफ थ्री। इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो तीन का स्केयर रूट है ना, जिसको हम स्केयर रूट थ्री कहते हैं, इसको निकालने की आवश्यकता आपको ट्रिग्नोमेट्री में पड़ती है। वी कैन यूज इट इन ट्रिग्नोमेट्री। अगर आज आप इसको सीख लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो आज हम इसको सीखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, वैसे ही करना है। आपने तीन यहां शो कर देना है, इसके आगे एक पॉइंट डाल दो, जीरो डाल दो, दो दो और डाल दो, दो और डाल दो, इस तरह जुट बना लो आप। ओके, सबसे पहले हम यहां एक रफ वर्क बना देते हैं, रफ वर्क। अब देखिए कि सबसे पहले उस अंक से गुना करते हैं जो तीन या तीन से छोटा हो। अंक को अंक के साथ ही गुना करते हैं, जैसे एक है एक के साथ, दो है दो के साथ, तीन है तीन के साथ। यह एक आ गया, ये चार आ गया, ये नौ आ गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा एक गुना एक, क्योंकि तीन एक से बड़ा है पर चार बड़ा है तीन से, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा एक। एक यहां डाल दिया, तीन में से एक गया दो। अब क्या करना है, एक जमा एक, ऊपर वाले एक को एक जमा कर देना है, डबल कर देना है, मल्टीप्लाई करना और डबल करने में डिफरेंस होता है। ये दो आ गया, तो यहां हमने दो डाल दिया, ऊपर से दो जुट ले लिए, सिर्फ एक जुट लेना है हमने। अब क्या करना है, वो दो है, ये जो दो यहां लिखा हमने, तो दो के आगे एक लिखा, एक के साथ गुना किया, दो के साथ दो लिखा, दो के साथ गुना करते हैं, दो के साथ तीन रखते हैं, तीन के साथ गुना करते हैं, दो के आगे चार रखते हैं, चार के साथ, दो के आगे पांच है, पांच के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये 21 है, ये 44 है, ये 6 आ गया, ये 16, 4 दूनी 8, 9 आ गया, 5 25, 5 दूनी 10 और 12 आगे जाएगा, 6 के साथ, 7 के साथ करके देखते हैं, 8 के साथ करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 36, 6 दूनी 12, 12 3 15 156 आ गया, 77 49, 4 7 2 14 और 4 18 199 आ गया, 88 64 6 8 2 16 और 6 22, 8 2 16 और 6 16 और 4 20 और 2 22, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। यहां 7 लिखा हमने और 199 इधर हमने डाल दिया, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट था, इधर डाल दिया, ये 7 के ऊपर गया। अब आगे चलते हैं, ये 10 में से 9 गया, 1 आ गया, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, ऊपर से 2 जुट उतार लिए हमने, इसका डबल कर दिया, 1 7 का, 7 7 14, 1 2 1 3 34। अब हमने क्या करना है, 34 के आगे एक लगाना है, एक के साथ गुना कर लेना, 34 के आगे दो लगाना है, दो के साथ गुना कर लेना, 34 के आगे तीन लगाना है, तीन के साथ गुना कर लेना, 34 के साथ चार लगाना है, चार के साथ गुना कर लेना, 1100 या 1100 से कम आए तो ये हमारा टारगेट है। 341 486, नेक्स्ट 912 910, 16 16 एंड 17 1
12 13 इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो ये आ गया 1 0 2 9, ये गया 3 के ऊपर, यहां 3 डाल दिया हमने, 10 में से 9 गए 1 आ गया, 9 में से 2 गए 7 आ गया, ऊपर से 1 और जुट उतार दिया हमने। लास्ट डेसिमल के 3 अंकों तक हम जा रहे हैं, 1.73 आ गया हमारा आंसर। एक और लिखेंगे, 1 7 3 जमा कर दिए, 1 7 3 वो अंक हम यहां लिख देंगे, 3 3 6 7 7 14 2 1 3 3 3 6 14 2 1 3 346 के आगे कुछ अंक लिखना, उसी अंक के साथ गुना करना जो 7100 से के इक्वल हो या उससे छोटा हो। 3 4 6 1 1 के साथ किया, 3 4 6 1 3 4 6 2 2 के साथ, 4 12 8 9 6 3 4 6 2 3 के साथ करके देखते हैं, 3 3 9 6 18 हासिल, 1 12 13 हासिल, 1 3 3 9 10 ये ज्यादा हो गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा 6 9 2 4 बैलेंस इज 6 9 7 and 0 10 10 1 1 7 इज दिस बैलेंस एंड इट गोज टू 2 and 2 दिस इज अवर आंसर स्क्वायर रूट 3 या 1.732 the square root of 3 is 1.732 okay thank you very much